आज हम जो सौल, पेपर सौल करेंगे वो जोलॉजी का फर्स्ट जो ईयर का, का जो है वो पेपर है तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो सबसे पहले जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं तो देखो सबसे पहले जो है वो कहता है द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्मिपेंड अपॉन एन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा माइक्रो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो दूसरे ऑर्गेनिज्म भी कर रहा है और उसको हार्म भी कर रहा है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट कहते हैं और उसकी स्टडी को क्या कहेंगे तो यहाँ पर जो आएगा इसका आंसर ये है पेरासाइटोलॉजी तो सही आंसर क्या होगा पैरासाइटोलॉजी वन फैटी एसिड वन अल्कोहल यानी जब फैटी एसिड अल्कोहल के साथ मिलता है मतलब फैटी एसिड जब अल्कोहल के साथ मिला मिलेगा तो क्या बनाएगा क्या वो एसएल ग्लिसरॉल बनाएगा क्या वो सक्रोज बनाएगा या उसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहेंगे या वो न्यूक्लियोसाइड बनाएगा आपको पता है कि जब फैटी एसिड ग्लिसरॉल के अल्कोहोलिक ग्रुप के साथ मिलता है तो इससे बनता है एसएल ग्लिसरॉल अगर तीन फैटी एसिड एक जो है वो अल्कोहल के साथ मिलेंगे तो ट्राइग्लिसराइड बनेगा ट्राई ट्राईएसिल ग्लिसरॉल बनेगा लेकिन यहां पर जो है वो इसका सही जो आंसर है वो क्या है एस एल क्योंकि आपको इसका भी पता है कि सक्रोस की का फार्मूला आपको पता है मोलिकुलर बायोलॉजी आपको पता है किसको कहते हैं न्यूक्लोसाइड भी आपको पता है किसको कहते हैं तो नेक्स्ट लास्ट जो ऑप्शन रह जाता है वो यही है और यही करेक्ट है द टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड एक्टिंग एज कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन यानी वो आपको पता है न्यूक्लियोटाइड हम किसको कहते हैं डीएनए और आर एन ए क्या है न्यूक्लियोटाइड है अब वो कौन सा न्यूक्लियोटाइड है जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है आपको पता है मैसेंजर आर एन जो डीएनए से इन्फॉर्मेशन लेके जाता है राइबोसोम के पास किस चीज के लिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो आएगा मैसेंजर आर एन आपको पता है कि एटीपी जो है वो मोनोन्यूप्लोटाइड है सही है ए एम भी मोनोन्यूप्लोटाइड है और जो एन है वो डाइनिप्लोटाइड है तो बाकी क्या रह जाता है मैसेंजर आर एन रह जाता है जो क्या है वो जो पोलिन्योटाइड है द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ यानी एंजाइम का जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप है को एंजाइम है को फेक्टर है, है तो कोफेक्टर भी नॉन प्रोटीनियस पार्ट है तो ये क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज दिस्ट्रल डिग्री इन एसमेट्रिकल मोलस्काल मोलस्क के अंदर जो विस्ट्रल डिग्री पर उसकी जब होती है तो उसको हम क्या कहते हैं

इट इज प्रेजेंट इन ब्लड ब्लड ऑफ यानी इसमें से वो कौन सी चीज है जो ब्लड कैप्लरीज में पाई जाती है ट्यूनिका एक्सटर्ना ट्यूनिका इंटीमा एंड ऑफ नीज आपको बताइए कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं वेंस होती हैं इनमें तीन लेयर होती हैं सबसे बाहर वाली ट्यूनिका एक्सटर्ना बीच वाली ट्यूनिका मीडिया और सबसे अंदर जो होती है वो ट्यूनिका इंटीमिया होती है ट्यूनिका इंटीमिया किसकी बनी होती है एंडोथिलियम सेल्स की सिंगल लेयर होती है तो ये कैपिलरीज के अंदर जो है वो सिर्फ ट्यूनिका इंटीमिया होती है कैपिलरीज के ऊपर दो वाली ऊपर वाली लेयर ये नहीं होती है जब भी तो कैपिलरीज बहुत थिन होती है उनके ऊपर ये दो लेयर नहीं है तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है वो है सी ये जो है वो कैप्लरीज में मौजूद होती है मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ यानी ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कार्बो ऑक्सीमोग्लोबी के फॉर्म में सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट आपको बताए सिक्सटी परसेंट जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट टाइम के शकल में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है तो इस वजह से सही आंसर क्या होगा बी तो ये तो हमने बात कर ली किसकी एमसीक्यूज की अब आ जाते हैं हम किसकी तरफ अब आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ तो शॉर्ट क्वेश्चन में जो है सबसे पहले तो डिस्टिंग कह रहा है कि डिस्टिंग बिटवीन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनमें से किसी एक को आपने जो है वो डिस्टिंग करना है इनमें डिफरेंसेज लिखना हैं एक तो कॉन्ड्रिक है एंड ऑस्ट्रिकाइज ये मतलब जो है वो दो क्लासेस हैं इन क्लासेस के दरमियान में जो है वो क्या लिखना है आपने जो है वो डिफरेंस जो है वो लिखना है आपको पता है आपने पढ़ा होगा फाइलम्स के अंदर एक कार्टिलेजिनस फिश होती हैं और एक क्या होती है एक होती है बेसिकली कौन सी वाली फिश होती है एक बोनी फिश जो है वो होती है इनके दरमियान में क्या पूछ रहा है इनके दरमियान में जो है वो डिफरेंस पूछ रहा है तो यहां पर हम मैंने डिफरेंसेस कुछ लिख दिए हैं तो कॉन्ड्रिक जो है

of this class have bony skeleton यानी इनका स्केलेटन कैसा होता है बोनी होता है मतलब बोन का बना हुआ होता है इसके अलावा fishes of this class found only in marine water यानी ये जो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं सिर्फ कहाँ पाई जाती है मरीन वाटर में जबकि इस क्लास की जो फिश है वो दोनों जगह पर पाई जाती है मरीन वाटर में भी पाई जाती हैं और कहाँ पाई जाती हैं फ्रेश वाटर में भी इसके अलावा ये जो फिश होती हैं ऑपरक्युलम इज नॉट फाउंड ऑन द गिल्स ऑफ और... दोस्त फिशेज बिलोंग टू दिस क्लास यानी इस क्लास से जो फिश बिलोंग करती हैं उनके गिल्स के ऊपर की एक कवरिंग नहीं होती है स्कैस हो गई रेज हो गई शार्क हो गई डॉग फिश ये तमाम किससे बिलोंग करती है कार्टिलेजिनस फिश के ग्रुप से जबकि एल फ्लाइंग फिश क्लॉग फिश ये तमाम किससे बिलोंग करती है ये बोनी फिश के ग्रुप से बिलोंग करती है तो मतलब आप इसमें जो है वो बेसिकली जो डिफरेंस आपने देना है वो कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश के दरमियान में देना था इसके अलावा एलवोलस और पैराब्रोनकाई के दरमियान में आपने फर्क बताना है कि और में फर्क क्या होता है तो रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ मैमल लंग्स यानी जो मैमल्स होते हैं उनके जो लंग्स होते हैं उनका जो रेस्पिरेटरी सरफेस है मतलब जहां से गैसेज एक्सचेंज होती है उसको हम क्या कहते हैं उनको हम कहते हैं एलवोल्स या अगर क्लूलर कहेंगे तो एलवोलाय और पेराब्रोंकाई बेसिकली क्या है दे आर द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ बर्ड्स लंग्स यानी बर्ड्स के जो लंग्स uh, होते हैं उनका जो रेस्पायरेटी सरफेस होता है जहां पर गैसेज एक्सचेंज होती है वो होता है पैरा दे आर साइट ऑफ गैसेज एक्सचेंज इन बर्ड्स बर्ड्स यानी birds के अंदर एक्सचेंज का सॉरी दे आर साइट ऑफ एक्सचेंज इन मैमल्स ये गैसेज एक्सचेंज कहा का साइज साइट है किसमें मैमल्स में, में. जबकि पैरा जो है, ये साइट ऑफ गैसेज एक्सचेंज है किसमें बर्ड्स में यानी बर्ड्स का साइट ऑफ गैसेज एक्सचेंज जहां पर गैसेज एक्सचेंज होती है लंग्स के अंदर वो पेराब्रॉन का है और जो मेमल्स हैं उनका कहां पर होता है ये एल्वोलस में दे आर स्टैक लाइक यानी ये जो आ, एल्वोलस हैं ये सैक लाइक -like होती हैं ऐसे थैलियों की तरह होती हैं टाइनी थैब जबकि जो पेराब्रोनकाई होते हैं ये ट्यूबुलरस होते हैं ट्यूबुलर होते हैं मतलब किसकी तरह होते हैं ये ट्यूब की तरह होते हैं अच्छा इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन लिस्ट एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोपोनिक मतलब हाइड्रोपोनिक जो है वो उसका आपने एडवांटेज जो है वो लिखना है तो इसका जो मैंने क्वेश्चन नंबर थ्री है ये क्वेश्चन नंबर थ्री का मैंने यहाँ पर आपको जो है ये पूरा आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है यहां तक ये यह आंसर है इसको मैं थोड़ा लाइन कर देता हूँ ये ये हमने यहाँ पर क्या पूछा है आपसे एडवांटेज ऑफ हाइड्रोपोनिक कल्चर तो अब एडवांटेज अगर पूछा है हाइड्रोपोनिक कल्चर का तो आप एडवांटेज ही लिखोगे अब ऐसा नहीं करना है कि आपने साथ में डेफिनेशन भी लिख देनी है आपने टू द पॉइंट जवाब देना है अब हाइड्रोपोनिक कल्चर का एडवांटेज अगर पूछा है तो इसका एडवांटेज क्या है इट कंट्रोल वीड एंड सोइल डिजीज प्रॉब्लम आपको पता है हाइड्रोपोनिक कल्चर क्या होता है जब हम वाटर के अंदर सोल्यूशन के अंदर जब आप आप प्लांट्स को लगाते हो तो उसको हम हाइड्रोपोनिक कल्चर कहते हैं मतलब वाटर के अंदर सिंपली को अगर आप प्लांट्स लगा रहे हो तो अब जाहिर सी बात है अगर आप वाटर के अंदर प्लांट लगा रहे हो तो जो सॉइल के अंदर डिजीजेज होती हैं जो बैक्टीरिया होते हैं वो वाट में नहीं होंगे तो इसका मतलब वो सॉइल डिजीजेज प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करेगा और वो जो वीड्स होती हैं जड़ी बूटियां जो आपकी क्रॉप्स के साथ जमीन में निकल जाती हैं उसको भी कंट्रोल करेगा फिर तो उसके बाद एरिया रिक्वायर्ड फॉर कल्टिवेशन इज रिड्यूज मतलब जो कल्टिवेशन के लिए जो एरिया रिक्वायर्ड होता है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा क्योंकि जमीन में आप प्लांट्स को थोड़ा दूर दूर करके लगाते हो तो कल्टीवेशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है ज्यादा एरिया चाहिए होता है और प्लांट्स और वाटर के अंदर आप क्या करते हो करीब करीब लगा सकते हो यानी इतनी सी जगह पर ये बहुत सारे प्लांट एक ही जगह पर आ जाएंगे और अगर जमीन में लगाओगे तो दूर दूर करके लगाना पड़ेंगे एरिया ज्यादा चाहिए पानी में लगाओगे तो थोड़े से एरिया में बहुत सारे प्लांट आ जाएंगे तो कल्टीवेशन के लिए जो एरिया चाहिए होता है वो कल्चर में रिड्यूज होता है क्रॉप सक्सेसफुली ग्रोन इन एरि एरिड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी एरिड पार्ट जो वर्ल्ड के होते हैं मतलब डेजर्ट वाले जो एरिया होते हैं वहां पर भी आप प्लांट्स लगा सकते हो क्योंकि डेजर्ट वाले एरिया में अगर आप जमीन पर प्लांट लगाओगे तो उस वो जमीन जो है वो रेतीली होती है, वो है।, वो है।, वो है।, वो है। वो और रेतीली जमीन को जब आप पानी देते हो तो पानी उस जमीन पर रुकता नहीं है वो कहा चला जाता है नीचे चला जाता है यानी पौधे को तो पानी नहीं मिलेगा प्लांट की रूट तो सिर्फ यहाँ तक है आपने क्रॉप लगाई है और पानी दिया तो पानी तो नीचे चला गया लेकिन अगर जो एरिड पार्ट होते हैं डेजर्ट वाले जो एरिया होते हैं अगर आप वहां पर एक टैंक के अंदर पानी भर के इसके अंदर पौधे लगा दोगे तो एरिड पार्ट ऑफ वर्ल्ड में भी जो है वो आप हाइड्रोपोनिक uh, कल्चर के जरिए प्लांट्स की क्या कर सकते हो कल्टीवेशन कर सकते हो इसके अलावा इट इज यूज्ड टू डिटरमिन विच ऑफ द मिनरल्स कंटेंट आर एसेंशियल प्लांट्स के लिए कौन सा मिनरल कंटेंट मिनरल चाहिए सोडियम कितना चाहिए पोटेशियम कितना चाहिए वो पानी में आप ऐड करते जाओ तो आपको पता लग जाएगा कितने परसेंट पे प्लांट ज्यादा अच्छी ग्रोथ शो करता है तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री जिसमें हमने बत, मैंने आपको बताया कि इसके बारे में यहाँ पर एडवांटेज ऑफ हाइड्रोपोनिक कल्चर यानी हाइड्रोपोनिक कल्चर का एडवांटेज क्या होता है इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर फोर में जो है वो आपसे पूछ रहा है डिफाइन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इसमें से जो है वो कोई जो है वो एक टर्म जो है वो क्या करो कोई दो टर्म जो है वो डिफाइन करें सबसे पहली टर्म जो आपसे डिफाइन करने के लिए पूछ रहा है वो क्या है वो है हिमोसिल अब ये जो हिमोसेल होती है बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन है बेसिकली ये है क्या आप सिंपली कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ बेसिकली ये क्या है ये इसको अगर आप सिंपली इसका आंसर दो तो इसको हम कह सकते हैं कि ये है बेसिकली जो है वो हिमोसिल हम कहते हैं ब्लड साइनेसिस ब्लड साइनेसिस ऑफ इंसेक्ट्स आर कलेक्टली कार्ड हिमोसिल मतलब ये जो हिमोसिल है ये ये बेसिकली इसको सिंपली आप डिफाइन करोगे कि ब्लड साइनेसिस ऑफ इंसेक्ट्स आर कलेक्टिवलीमो ये इसकी क्या हो गई इसके बाद आपसे पूछ रहा है, ये जो है वो डिफाइन करना है तो नॉर्मली जो ये थीडोन है ये क्या होते हैं बेसिकली ऐसे एनिमल्स जिनके अः जो टीथ होते हैं वो किसमें एम्बेडेड होते हैं गम्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं टीथ एम्बेडेड इन ग उनकी रूप जो है वो कहाँ होती है हमारे गम्स में होती है हमारे जबड़ों में होती है तो एन, ऐसे एनिमल जिनकी टीथ जो है वो उनके गम्स में या जबड़ों में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं उनको हम थीड कह रहे हैं इसके अलावा ये डेटरी वॉरस जो है वो एनिमल कौन से एनिमल्स होते हैं एनिमल्स फीड ऑन डेट्रीटस जो डेट्रीट पर फीड करते हैं वो खाते हैं उनको हम कहते हैं डेट्रीट इसके अलावा जो है एक ट्रम आपसे और भी पूछ रहा है आपसे जो है वो लिम्फ की डेफिनेशन पूछ रहा है कि बेसिकली जो है ये लिम्फ क्या होता है तो लिम्फ को अगर आप डिफाइन करो तो लिम्फ को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि ये क्या है बेसिकली कलरलेस इट इज अ कलरलेस बॉडी फ्लूड अब ब्लड जो है वो तो कलरफुल बॉडी फ्लूड है ना तो लिम्फ कैसा है कलरलेस बॉडी फ्लूड है डेट कंटेन लिम्फोसाइट जिसमें क्या मौजूद होते हैं लिम्फोसाइट मौजूद होते हैं इसके अलावा स्मॉल प्रोटीन एंड फैट भी होते हैं स्मॉल प्रोटीन एंड फैट देखो लिम्फ को अगर आप सिंपली इतना डिफाइन कर दो कि कलरलेस बॉडी तो ये डेफिनेशन पूरी नहीं होगी क्योंकि कलरलेस बॉडी फ्लूड तो हमारे और भी होते हैं दूसरे भी हमारे बॉडी ऐसे हैं जो हैं जो कलरलेस लेकिन ये डेफिनेशन फ्लूडीशन कंप्लीट होगी जब थोड़े से आप कैरेक्टरिस्टिक और इसमें दोगे जैसे कलरलेस बॉडी दैट कंटेन लिम्फोसाइड स्मॉल प्रोटीन एंड फैट अब इसकी डेफिनेशन क्या हो गई है पूरी हो गई तो इस तरीके से आपने जो है ये तीन चार जो है वो टर्म्स थी जिनको आपने क्या करना था डिफाइन करना है इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ टर्पेनोइड डिफर फ्रॉम एसेल से फर्क में जो है वो फर्क है आपको पता है और जो टर्पेनॉइड हैं ये भी किससे बिलोंग करते हैं टर्पेनॉइड भी बिलोंग करते हैं किससे बेसिकली जो है वो एसेल गलिस्ट्रोल से जो बिलोंग करते हैं तो इनमें जो है वो फर्क क्या होता है तो देखो इसमें जो फर्क है बेसिकली यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर फाइव जो है इसका आंसर यहाँ लिख दिया है ये आंसर है इसका तो जो टर्पेनॉइड होते हैं उनमें एक आइसोपेरानोइड यूनिट होता है आइसोपेरानोइड यूनिट कह रहे हैं C5H8 फाइव पांच कार्बन और एड जो हाइड्रोजन की चेन है इसको हम कहते हैं आइसोपेरानोइड यूनिट यानी टर्पेनॉइड वो लिपिड हैं जिनमें क्या होते हैं जिनमें यूनिट होते हैं जबकि जो वो हैं, वो किससे बने हुए होते और से। ये बेसिक है किसमें टर्पेनॉइड के अंदर और एसे गिलिस्ट्रोल में इसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में पूछ रहा है

क्या है मिसाल के तौर पे ये जो है वो मेरे पास जो है वो कितने एंजाइम हैं चार एंजाइम हैं और मेरे पास सब्सट्रेट भी कितने हैं सब्सट्रेट भी जो है वो फोर हैं अब चार एंजाइम हैं और चार ही क्या हैं सब्सट्रेट हैं ये सब्सट्रेट इस एंजाइम के साथ अटैच हो गया ये सब्सट्रेट इस एंजाइम के साथ अटैच हो गया ये साथ अटैच हो गया और मुझे प्रोडक्ट कितनी चाहिए प्रोडक्ट भी मुझे चार चाहिए मेरे बॉडी का कोई भी कितनी प्रोडक्ट बना दी कितनी जो है वो चार प्रोडक्ट मुझे बनाकर दे दी कितनी प्रोडक्ट बना दी चार प्रोडक्ट बनाकर दे दी और मुझे चार ही प्रोडक्ट चाहिए कितनी एक सेकंड के अंदर अब मिसाल के तौर पर अगर मैं

या मजीद जो प्रोडक्ट बनेंगी जितनी ज्यादा अगर बन रही है तो नॉर्मली वो एंजाइम के साथ नहीं देंगी तो उस वजह से तो अगर मैं इस तरीके से चले आपको बताऊं कहता है अगर कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सरेट रिटार्डिंग इफेक्ट क्यों डालती है दिस मे बी ड्यू टू टू रीजन आपकी बुक कह रही है कि ये दो रीजन है हायर क्वान्टिटी ऑफ देन एंजाइम क्योंकि एंजाइम के मुकाबले में सबसे कंसेंट्रेशन क्या हो गई ज्यादा हो गई एक तो वजह ये हो सकती है मिसाल के तौर पर देखें यहां पर चार एंजाइम है और सबसे कितनी है चार एंजाइम है तो चार ही जो है वो एक एक सेकंड के अंदर चार ही एंजाइम के साथ बाइंड हो सकती हैं अब मैंने अगर सब्सरेट की कंसनट्रेशन बढ़ा रहा हूं तो ये चार जो सब्सरेट हैं ये ये तो एक सेकंड के अंदर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी लेकिन ये तीन सब्सरेट तो कन्वर्ट नहीं होंगी ना तो मतलब क्या हुआ मतलब ये हुआ कि जब सब्सट्रेट की कंसनट्रेशन एंजाइम की कंसनट्रेशन से ज्यादा हो जाएगी तो मजीद जो है बहुत ज्यादा जो है वो एंजाइम अपनी एफिशिएंसी शो नहीं करेंगे क्योंकि क्या होगा कि तमाम के तमाम एक्टिव साइड क्या हो जाएंगे फिल हो जाएंगे हाँ ये हो सकता है कि जब ये प्रोडक्ट बन जाए तो दोबारा ये आ जाए इसके बाद अक्यूमेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट इन हाई क्वान्टिटी जब जाहिर सी बात है सब्सिड ज्यादा हो जाएंगी तो एंड प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगी

Uh, जो है वो सिक्स uh, की जो है वो बात कर ली इसके बाद नेम द प्रोसेसिस थ्रो विच फॉलोइंग मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन उन प्रोसेसिस के नाम बताने हैं जिनके जरिए ये सब्सटेंस जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजरते हैं जैसे सबसे पहले ये सोडियम हो गया क्योंकि सोडियम एक चार्ज आइन इसके ऊपर चार्ज है तो चार्ज आइंस होते हैं या चार्ज पार्टिकल होते हैं आपको बताए वो किसके जरिए जाते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए यानी सेल मेम्ब्रेन से ये एक सेल है सेल मेम्ब्रेन से जो गुजरेंगे ये सोडियम तो ये सोडियम सेल मेम्ब्रेन से किसके जरिए गुजरेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए गुजरेंगे क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है वाटर जो मूव करता है सेल मेम्ब्रेन से आपको पता है वाटर की जो मूवमेंट होती है वो ऑस्मोसिस के जरिए होती है तो वाटर में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होगा मूव करने में ऑस्मोसिस इन्वॉल्व होगा ऑक्सीजन क्योंकि बहुत स्मॉल साइज का मॉलिक्यूल है तो ये सिंपली जो है वो डिफ्यूजन ही के जरिए जो है वो कहाँ चला जाएगा सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेगा तो ऑक्सीजन तो सिंपली किसके जरिए चली जाएगी डिफ्यूजन के जरिए फूड पार्टिकल हो गए जिस तरीके से ग्लूकोज हो गया जो क्योंकि लार्ज पार्टिकल है तो लार्ज पार्टिकल को मूव करने के लिए कौन सी डिफ्यूजन की जरूरत होती है फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन तो ये ग्लूकोज का पार्टिकल है अगर ये फूड पार्टिकल है तो ये किसके जरिए जाएगा ये फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन के जरिए सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो स्मॉल साइज के बहुत एंजाइम होंगे तो वो तो डिफ्यूजन के जरिए जा सकते हैं लेकिन अगर लार्ज साइज के जो एंजाइम होते हैं वो भी किसके जरिए मूव करते हैं वो भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए जो है वो एंजाइम भी मूव करते हैं। तो मतलब किस तरीके से किस तरीके से मूव तरीक? करते हैं तो यहां पर मैंने ये तमाम प्रोसेसेस लिख दिए जिन प्रोसेसेस के जरिए ये मूव करते हैं ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेवन इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर एट की तरफ

एंटीजन सेल है वो कहते हैं हम मैक्रोफेज को सबसे पहले तो आपने ये इनको एंटीजिन प्रेजेंटिंग सेल मैक्रोफेज नॉट ओनली डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहता है मैक्रोफेज सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय नहीं करता बट आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फर्दर इम्यून रिस्पॉन्स बाय प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ डेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अदर सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम यानी मैक्रोफेज जब होता है मिसाल के तौर पे ये मैक्रोफेज है इसने इस पैथोजन को खा लिया और इस पैथोजन को छोटे-छोटे खा के क्या किया इसको छोटे-छोटे पीसेस -छोटे में कन्वर्ट कर दिया अब इन छोटे-छोटे पीसेस -छोटे को जो है वो अपने सरफेस पे लगाएगा और दूसरे जो डब्ल्यूबीसीज हैं या दूसरे जो इम्यून सेल्स हैं उनको जो है वो इनको प्रेजेंट करेगा ताकि वो इस प्रोटीन को पहचान जाए और ऐसा कोई जब दोबारा आए तो उसको प्रोटीन को पहचान कर उसको क्या कर दें खत्म कर दें तो ये इस, ये जो क्वेश्चन था ये दो पार्ट थे इसके जब भी किसी क्वेश्चन के दो पार्ट होते हैं तो उनको दो ही पॉइंट के अंदर लिखे पहले पहले आपने बता दिया कि मैक्रोफेज को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कह रहे हैं फिर दूसरे पार्ट में आपने वाई का आंसर भी दे दिया इसको क्यों कह रहे हैं तो ये हो गया आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन था नहीं ये क्वेश्चन नंबर एट था अब क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ जाते हैं विच ऑफ बायो बायोमोलिक्यूल इज टर्न एज सेरिब्रोसाइड एंड वाई तो देखो ये भी ये जो क्वेश्चन है इसके भी दो पार्ट हैं पहले पार्ट में कह रहा है कि वो कौन सा बायोमोलिक्यूल है जिसको हम सेरिबिरइट कहते हैं तो वो बायोमोलिक्यूल जिसको हम सेरिबिरइट कहते हैं वो कौन सा है वो है क्वेश्चन नंबर नाइन में तो ग्लाइकोलिक्विड तो पहले पार्ट में आपने क्या बता दिया ग्लाइकोलिपिड्स आर बायो बायोमोलिक्यूल कार्ड से आपको पता है ग्लाइकोलिपिड्स कंजुगेटेड मोलिक्यूल्स में आ जाते हैं और कंजुगेटेड मोलिक्यूल्स भी बायो मोलिक्यूल्स हैं तो इनको हम सेबिरोसाइड्स कहते हैं अब इनको सेरिब्रोसाइड क्यों कहा जाता है दूसरा इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में आपसे वाई पूछ रहा है क्यों कहा जाता है बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ अवर ब्रेन क्योंकि ग्लाइकोलिपिड जो है हमारे ब्रेन का इंपॉर्टेंट जो है वो केमिकल है जो हमारे ब्रेन के फॉर्मेशन में फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है

को जो है वो कौन सा एंजाइम आपकी जो है वो ड्यूडिनम में डाइजेस्ट करता है और पल्सेस जो होती हैं उसको कौन सा एंजाइम आपके ड्यूडिनम में डाइजेस्ट करता है अच्छा इधर देखो सबसे पहले कह रहा है कि ब्रेड को कैविटी में कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट करता है सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ब्रेड जो है वो उसमें स्टार्च होता है आपको पता है ब्रेड के अंदर क्या होता है स्टार्च होता है और स्टार्च को जो डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है वो कौन सा है वो है एमाइलेज कौन सा एंजाइम होता है वो होता है एमआईलेज तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आ, ब्रेड इन ऑरल ऑरल में जो ब्रेड है उसको जो एंजाइम जो है डाइजेस्ट करता है वो एंजाइम कौन सा है वो है एमाइलेज आपको पता है कि एम स्टार्च को किसमें ब्रेक डाउन कर देता है माल्टोज में फिर उसके बाद कहता है कि बटर को हमारे डिडूनम के अंदर कौन सा एनजाइम जो है वो डाइजेस्ट करता है बटर आपको पता है लिपिड है और लिपिड को जो डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है वो कौन सा है वो है लाइपेज इसी तरीके से पल्सिस में प्रोटीन होता है प्रोटीन को जो आपके स्टमक में तोड़ता है वो पेप्सिन तोड़ता है और जो को आपके प्रोटीन जो होता है का प्रोटीन में भी ब्रेक डाउन होता है और वो कौन ब्रेक डाउन करता है ट्रिप्सिन मतलब ये चार जो है वो आपने एंजाइम्स के बारे में बताना है ये हो गया क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन की तरफ और वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर इलेवन में वट इज फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंजाइन वट इज इट्स एडवांटेज तो यहाँ पर भी देखो दो इस क्वेश्चन के भी दो पार्ट हैं पहले पार्ट में आपने बताना है व्हाट इज फीडबैक इनहिबिशन पहले फीडबैक इनहिबिशन को डिफाइन करोगे कि फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम है क्या और उसके बाद उसका एडवांटेज बताओगे उसका फायदा क्या होता है तो चलो देख लेते हैं इसको आपने किस तरीके से इसका आंसर देना है इसका आंसर आपने कुछ इस तरीके से देना होगा इधर मैंने फीडबैक इनिबिशन जो है वो अच्छा इधर देखें इसका कुछ आंसर आपने इस तरीके से देना है यहां पर आपको लिखवा देता हूं इसका आंसर चेस्ट देख तो देखो सबसे पहले तो कहता है कि व्हाट इज फीडबैक इनहिबिशन यानी ये जो फीडबैक इनहिबिशन होती है ये होती क्या है इस चीज को आप हाँ जो है वो फीडबैक इनहिबिशन जो है वो कह रहे हैं तो नॉर्मली ये जो फीडबैक इनहिबिशन होती है तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि फीडबैक इनहिबिशन इज एन ऑफ कॉमन कॉमन बायोलॉजिकल कंट्रोल मैकेनिज्म कार्ड नेगेटिव फीडबैक तो मतलब आप इसके को जब डिफाइन व्हाट इज फीडबैक यानी पहले क्या पूछ रहा है व्हाट इज फीडबैक तो व्हाट इज फीडबैक जब आपसे पूछ रहा है तो आप फीडबैक को कैसे डिफाइन करोगे

फीडबैक इनहिबिशन की हेडिंग डालोगे फीडबैक इनहिबिशन की हेडिंग में वही लिख दो बता दोगे जो भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है फिर उसके बाद आप एडवांटेजेस की हेडिंग डालोगे। एडवांटेज की फिर एडवांटेज में आप लिखोगे द एक्टिविटी ऑफ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरी एंजाइम इन सेल इज रेगुलेटेड बाय फीडबैक इनहिबिशन यानी हर एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है उसको रेगुलेट कौन करता है रेगुलेट का मतलब ना वो बहुत ज्यादा काम करे ना बहुत कम काम करे तो उसको रेगुलेट जो करता है वो कौन करता है वो करता है फीडबैक इनहिबिशन और आप इसको आगे मजीद जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो वेन प्रोडक्ट इज एन इज एन जब प्रोडक्ट ज्यादा होती है इट बाइंड कॉम्पिटेट कॉम्पिटेटिवली विद एन एनजाइन एक्टिव साइड वंस द प्रोडक्ट इज यूज इनहिबिशन इज रिड्यूस एंड मोर प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस अब देखो इसको थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ फीडबैक इनहिबिशन यहाँ पर है क्या देखो मिसाल के तौर पे हर एंजाइम का एक इक्विलिब्रियम होता है मिसाल के तौर पर यह सो कितने सबस्ट्रेट हैं ये हंड्रेड इसको किसमें कन्वर्ट करना है, है प्रोडक्ट में तो अगर मिसाल के तौर पर यह सो के सो के सो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते सिर्फ कितने सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे एटी मतलब हंड्रेड से एटी प्रोडक्ट बनेंगे ये इसका इक्विलिब्रियम है लेकिन अगर एटी से एक भी प्रोडक्ट ज्यादा बन जाती है क्योंकि हमारी बॉडी को उतनी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है एटी से अगर ये एटी वन प्रोडक्ट बन गई एक प्रोडक्ट ज्यादा बन गई तो वो एक जो ज्यादा प्रोडक्ट है वो इस एंजाइम के एक्टिव साइड पे जाकर क्या हो जाएगी बाइंड हो जाएगी या दूसरे साइड पे भी जाकर बाइंड हो जाएगी और बाइंड होने के बाद फिर क्या करेगी वैसे तो नॉर्मली दूसरे साइड पर बाइंड होती है ये बाइंड जब हो जाएगी तो अब इस एनजाइम को इनएक्टिव कर देगी वक्ती तौर पर भी काम नहीं करेगा तो अभी इसको हम क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे फीडबैक इनहिबिशन यानी एंजाइम को इनहिबिट किया गया है लेकिन कौन सी वाली इनहिबिशन है फीडबैक इनहिबिशन और ये नेगेटिव नेगेटिव फीडबैक फीडबैक है का मतलब कोई चीज ज्यादा हो रही है तो उसको कम कर दिया या जो कोई चीज कम हो रही है तो उसको ज्यादा करना ये क्या है ये नेगेटिव फीडबैक है अपोजिट तो देखो यहाँ पर ज्यादा हो गया था तो उसने उसके साथ अटैच होकर क्या किया इसको जो है वो वक्ती तौर पर इनएक्टिव कर दिया अब क्या होगा मिसाल के तौर पर ये तो दोबारा ये प्रोडक्ट यहाँ से ये जो प्रोडक्ट जाकर अटैच हुई थी ये यहाँ से क्या होगा ये यहाँ से हट जाएगा और दोबारा फिर एंजाइम क्या हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा असल में मैं इस वक्त आपको ये पेपर सॉल्व करा रहा हूँ आपको डिटेल में समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये मुझे सिर्फ आपको जर्नल पेपर का पैटर्न बताना है अच्छा उसके बाद कहता है आ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फीडबैक के बाद व्हाट इज द केमिकल स्टिमुलस फॉर एक्टिवेशन ऑफ प्रिप्सिनोजिन ट इज इट्स रोल आफ्टर एक्टिवेशन यानी ट्रिप्सिनोजिन को केमिकली एक्टिवेट कौन करता है और ये ट्रिप्सिनोजिन होने के बाद क्या करता है तो देखो इसका आंसर आपने किस तरीके से देना है सबसे पहले तो आपने बताना है कि ट्रिप्सिन इज सिक्रीटेड इन इनएक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिनोजिन यानी जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है और उसकी इनएक्टिव फॉर्म को हम क्या कह रहे हैं ट्रिप्सिनोजिन अब कहता है ट्रिप्सिनोजिन कैसे एक्टिव होता है तो ट्रिप्सिनोजिन को जो एक्टिव करता है मतलब ये ट्रिप्सिनोजिन जो है इसको जो केमिकल एक्टिव करता है इसकी केमिकल जो एक्टिवेशन होती है इसको जो केमिकल एक्टिव करता है वो एक एंजाइम है जिस एंजाइम को हम क्या कहते हैं जिसको हम कहते हैं एंजाइम एंटीरो, एंटीरो, क्या करता है इसको एक्टिव करता है और इसकी एक्टिव फॉर्म कौन सी है ट्रिप्सिन तो मतलब क्वेश्चन में पहले तो इसने यही पूछा है आपसे कि ट्रिप्सिनोजिन को किस तरीके से एक्टिव होता है ट्रिप्सिनोजिन की एक्टिव फॉर्म कौन सी है तो ट्रिप्सिनोजिन की एक्टिव फॉर्म है ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिनोजिन जब अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ट्रिप्सिन में तो ये करता क्या है फिर उसके बाद बताते हैं इट एक्ट अपॉन प्रोटीन ये क्या करता है प्रोटीन पर एक्ट करता है कन्वर्ट देम इनटू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन की जो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन है उनको क्या करेगा शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट कर देता है तो ये था यहाँ पर इसके बाद जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर थर्टीन हाउ इज करेक्ट करेक्ट हाउ द करेक्टरिस्टिक लव एंड लव साउंड इज प्रोड्यूस बाय हार्ट हार्ट जो है वो लव साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस करता है सिंपली सिर्फ आपसे पूछा है कि साउंड जो है वो किस तरीके से प्रोड्यूस होती है तो इसका आंसर तो ये है simply. Sound and dub sound. Yani, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं डायस्टोल कहते हैं तो जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है आप सिस्टोल के साथ कॉन्ट्रेक्शन भी लिख सकते हो कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन और जो डायस्टोल है वो क्या है वेंट्रिकल की रिलेक्सेशन तो वो जो है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लब साउंड प्रोड्यूस होगा और जब वेंट्रिकल डायस्टोल होगा तो लब साउंड प्रोड्यूस होगा तो इसका सिंपली सिर्फ ये आंसर आंसर है अगर को मजीद एक्सटेंड करना चाह रहे हो तो वेंट्रिकल सिस्टोल को डिफाइन कर दो वेंट्रिकल सिस्टोल क्या है और वेंट्रिकल डायस्टोल क्या होता है लेकिन इसका जो टू द पॉइंट आंसर है वो यही है इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन में वो है कि व्हाई विच ग्रुप ऑफ लंग ब्रीदर्स एक्सेबिट Complete ventilation and why. वो कौन से से हैं 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 जो जो अपने लंग से ब्रीथ करते जिनमें होती 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 है और होती है और क्यों क्यों हम कह रहे उनमें तो 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 इसके इसके आप दोगे तो इसमें सबसे पहले तो आपने इसके आंसर में बताना है उस लंग ब्रीदर का नाम जो कंप्लीट वेंटिलेशन देता है उसके आंसर के पहले पार्ट में आपने बताना है कि वो बर्ड्स होते हैं उसके बाद फिर क्यों होता है ऐसा तो कह रहा है

इन लंग्स के अंदर क्या होते हैं छोटी छोटी थैलियां होती हैं जिनको हम कहते हैं एयर सेक फिर लंग्स बर्ड्स के जो लंग्स होते हैं उनमें ऐसे बता देता हूँ छोटी छोटी थैलियां होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं एयर सेक बर्ड एक दफा एयर को इनहेल करता है फिर दूसरी दफा फिर इनहेल करता है और इन एयर को कहा डाल देता है एयर सेक्स में यानी एयर कहाँ पर स्टोर हो जाती है ये एयर एयरसेक में फिर क्या होता है ये सारी एयर जो है वो एयर सेक से जो है दोबारा एयर को किसकी तरफ लंग्स की तरफ धकेलते हैं और ये एक साथ सारी यूनि डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में बाहर निकलती है और जब यूनि डायरेक्शन में बाहर निकल रही होती है तो उस दौरान जो पेराब्रोन का है उनमें गैसेज एक्सचेंज होती है तो वो जितनी भी ऑक्सीजन होती है हो, वो एब्जॉर्व करते हैं और जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या कर देते हैं वो जो है वो इसको एयर को दे देते हैं तो एयर मोस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एयर बॉडी से रिलीज कर देती है और मोस्ट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाती है एब्जोर हो जाती है लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं होता हमारे पास कुछ अनफ्रेश एयर फिर भी लंग्स में रह जाती है तो हमारे पास कंप्लीट वेंटिलेशन नहीं होती बर्ड्स के पास क्या होता है कि वो जो एक प्रेशर के साथ जब एयर को बाहर निकालते हैं तो क्या होता है टोटल जितनी भी अनफ्रेश एयर है वो तमाम बाहर चली जाती है तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि बर्ड्स के पास क्या होती है कंप्लीट वेंटिलेशन होती है तो ये तो हो गए तमाम शॉर्ट uh, क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के बाद हम आ जाते हैं किसकी तरफ लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि हाउ बर्ड्स एंड मैमल शेयर कॉमन एनसिस्ट्री यानी बर्ड्स और मैमल जो है उनकी किस तरीके से कॉमन एनसेस्ट्री जो है वो शेयर कर रहे हैं आप इसमें बताना है आपको बताइए कि बर्ड्स और मैमल जो है दोनों के जो एनसिस्टर हैं वो रेप्टाइल हैं दोनों के एनसिस्टर क्या हैं रेप्टाइल हैं ये रेप्टाइल से बर्ड्स भी वोर्ड हुए हैं और क्या इवोल्ड हुए मैमल्स में भी इवोल्ड हुए हैं फिर आपने उस अगर आपकी बुक में उस का नाम दिया हुआ है तो उस का भी नाम देना है बताना है जिससे बर्ड्स और मैमल क्या हुए हैं इवोल्ड हुए सही ना ये आपने थोड़ा पहले बता देना है सपोज योर आंसर थ्रो सुबल अब अपने आंसर को सपोर्ट करना है विद्यूटेबल एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन द फ्यूचर विच कनेक्ट दैम विद कॉमस्टर sister, मतलब आपने फिर इसको जो है वो क्या करना है थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है अब अगर आप देखें तो आपके पास जो चैप्टर है इसको किंगडम एनिमेलिया जो है उससे ये जो है वो लिया गया है ये क्वेश्चन और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें जो है वो आपके पास जो है वो इसका आंसर जो आपको मिलेगा ये मिलेगा आपको सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेड इसका जो पे, पेज नंबर 227 पर है ये सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेड इसमें जो लिखा हुआ है सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेड के अंदर रेप्टाइल इज द फर्स्ट है इसके बाद फिर आप अगर देखो तो इसी के अंदर जो है वो यहाँ पर जो है वो दिया गया है कि बर्ड और मैनमल जो है वो आ, किस तरीके से उनकी जो है वो कॉमन जो है वो क्या है कॉमन जो है वो ओरिजिन ऑफ बर्ड्स और इसमें अगर आप चाहो तो आगे जो दिया हुआ है इसके अंदर जो है वो क्लास मेमेलिया दिया हुआ है क्लास मेमेलिया के साथ भी कुछ उसकी ओरिजिन दी हुई है और कुछ दी हुई है किसके साथ जो है वो ओरिजिन ऑफ बर्ड के साथ भी तो मतलब आपने अब इस कुछ, कुछ बाजफा क्वेश्चन इस तरह का आता है कि आप वो पूरा का पूरा नहीं लिख सकते आपने क्या करना है आपने उसको जो है वो उसमें से कुछ पॉइंट्स लेकर जो है वो पूरा आंसर जो है वो क्या वो देना पड़ता है अब क्योंकि यहाँ तो मैं पूरा भी इतना टाइम कम है कि मैं पूरा उसको जो है वो नहीं बता सकता तो इसी वजह से जो है वो आपने इस बुक में इन, इनको जो है वो आपने रीड कर, कर इसमें से इसका आंसर जो है वो बताना है तो आपके पास जो है ये 227, 229, ये पेज नंबर और मेमल का जो दिया हुआ है यहीं से आपने ये आंसर निकालना है उसके बाद वट डू यू अंडरस्टैंड द काउंटर करंट फ्लो काउंटर करंट फ्लो के बारे में आप क्या जानते हो हाउ इट इज हेल्पफुल इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन इन अब आपको पता है counter current flow, जो gases exchange है 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 जो जो उसमें counter current flow दिया हुआ है. तो इसमें पहले पहले में सबसे को define करोगे फिर ये counter current flow जो है किस तरीके से फिश की ब्रीदिंग में हेल्प कर रहा है ये आपने एक्सप्लेन करना है आपने इसको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन के दो पार्ट है एक ए पार्ट हो गया और दूसरा कौन सा पार्ट है ये बी पार्ट तो जब भी ए बी पार्ट में आ जाता है कोई क्वेश्चन तो उसमें बहुत ज्यादा एक पार्ट को एक्सप्लेन नहीं करते क्योंकि दूसरे पार्ट को फिर एक्सप्लेन करने के आपके पास टाइम इतना नहीं रहता इसके बाद कह रहा है कि वट इज दिस सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलटरीटरी सिस्टम यानी सिस्टम जो होता है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है क्या फायदा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का इसकी आपने पहले क्या बतानी है सर्कुलेटरी सिस्टम की जो है वो आपने सिग्निफिकेंस बतानी है उसके बाद एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम किंगडम एनिमेलिया यानी ये जो सर्कुलरटरी सिस्टम है इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं एक क्लोज सर्कुलरिटी सिस्टम है और एक क्या है ओपन सर्कुलरिटी सिस्टम एनिमल किंगडम के अंदर आपको पता है कुछ के अंदर क्लोज सर्कुलरिटी सिस्टम होता है और कुछ के अंदर क्या होता है जो है वो ओपन सर्कुलरिटी सिस्टम होता है दोनों के आपने एडवांटेज भी बताने हैं और डिसएडवांटेज भी बताने हैं इसको भी बाकायदा पॉइंट्स के अंदर जो है वो हेडिंग्स के साथ लिखना होगा सबसे पहले तो हेडिंग जो डालोगे वो डालोगे सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलरिटी सिस्टम फिर सर्कुलरिटी सिस्टम की जो सिग्निफिकेंस आपने तीन चार सिग्निफिकेंस जो है वो चार पांच पॉइंट्स के अंदर बतानी होंगी फिर आपने बताने होंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलरिटी सिस्टम पहले ओपन सर्कुलरिटी सिस्टम और उसके बाद क्लोज सर्कुलरिटी सिस्टम इसको पहले डिफाइन करोगे इन दोनों को फिर इनके जो है वो एग्जाम्पल लिखोगे फिर पहले लिखोगे एडवांटेज ऑफ ओपन सर्कुलरिटी सिस्टम की हेडिंग डालोगे फिर ओपन सर्कुलरिटी सिस्टम के डिसएडवांटेज की हेडिंग डालोगे एक एक दो दो पॉइंट इसके लिखोगे फिर जो क्लोज सर्कुलरिटी सिस्टम है उसमें भी पहले क्लोज सर्कुलरिटी सिस्टम को डिफाइन करोगे एग्जाम्पल लिखोगे किन एनिमल में क्लोज सर्कुलरिटी सिस्टम होता है फिर उसके भी एडवांटेज लिखोगे और डिसएडवांटेज लिखोगे यानी इसके अंदर आपने अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेडिंग जो है वो क्या करनी है यूज करनी है और साथ में आप इसमें जो है वो डायग्राम भी जो है वो ड्रा कर सकते हो